आज हम लोग लच्छा पराठा बना रहे हैं। तो लच्छा पराठा बनाने के लिए हमने लोई लिया है, नॉर्मल आटे से बना रहे हैं, घर में जिसमें रोटी बनाते हैं उसी से लच्छा पराठा बना रहे हैं। तो नॉर्मल एक आटे का नॉर्मल रोटी से थोड़ा बड़ा लोई लिया है, उसको अच्छे से बेल लिया बड़ा करके थोड़ा। हम इसमें तेल लगाएंगे, रिफाइंड ऑयल, आप घी भी लगा सकते हैं। और थोड़ा सा नमक छिड़केंगे और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। अब हम इसका ये पैटर्न बनाएंगे इस तरीके से, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर हल्के हाथों से इसको बेलेंगे। और दूसरी तरफ हमने तवा गर्म होने के लिए रखा है, बहुत ज्यादा दबाना नहीं है। एक पर्टिकुलर साइज पे लाके छोड़ देना है। कोई भी अच्छी ग्रेवी, थिक ग्रेवी वाले उसके साथ इस पराठे को खाने से अच्छा लगेगा। लेयर दिखाई दे रहे हैं, दे रहे हैं ना लेयर। देख अच्छे से लेयर दिखाई दे रहा है, अंदर तक अच्छे से सिक जाना चाहिए। अब हम इसको एक प्लेट में उतार लेंगे। बहुत ही सुंदर कलर आया, बहुत ही सुंदर। ये देखिए हमने इसमें डाला, बहुत गर्म है, थोड़ा सा ऐसे करने से लेयर दिखाई देगा आपको। बहुत गर्म है इसलिए ठीक से मैं दिखा नहीं पा रही। इस तरीके से काफ़ी सारे लेयर्स हैं पीछे से भी अगर आप देखेंगे। अच्छा बना, अच्छा बना है। आप लोग भी ट्राई करिए और ज़रूर बनाइएगा। आप इसमें चाहे तो छोटा छोटा प्याज काट के भी डाल सकते हैं, पतला पतला प्याज लच्छा भी बन सकता है सेम तरीके से ही। मिर्चा डालने के बाद प्याज डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।